हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी शिवानी। आज मैं आप लोग के लिए एक और न्यू व्लॉग लेकर आ चुकी हूँ। और अभी जो है मैं पीएनएम मॉल की तरफ हूँ और यहाँ पे जो है ना दो दिन पहले ही एक न्यू रेस्टोरेंट की ओपनिंग हुई है और ये रेस्टोरेंट बहुत ही सुंदर है। मैं आपको इस वीडियो में हर कुछ दिखाऊंगी कि इसका एम्बियंस कैसा है, सारा लुक कैसा है। तो चलिए हम अंदर चलते और फिर आपको सारा कुछ दिखाते हैं। एसईओ नहीं कर रही हैं आप ना? सो गाइज, देखिए ये है बस। तो अभी जो है हम इसके अंदर चलेंगे और फिर इसके अंदर आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ है और किस तरह से जो है इसको डिज़ाइन किया गया है। सो गाइज, ये देखिए यहाँ पे भी जो है ना इतना अच्छे तरीके से सब कुछ है। यहाँ पे भी आप बैठ के खाना पीना खा सकते हैं और इस तरह से यहाँ पे टेबल, मतलब बहुत अच्छे तरह से जो है ना यहाँ पे सीट्स वगैरह बहुत सारे अवेलेबल, मतलब अच्छा है सब कुछ। और ये देखिए, सो गाइज ये देखिए, ये है ऊपर का फ्लोर, मतलब रूफ टॉप। और यहाँ पे जो है ना इस तरह का प्रोजेक्टर लगाया गया है और अगर बारिश होती है तो उसके लिए भी जो है ना ये प्लास्टिक वगैरह लगाया गया है कि बारिश भी हो तो यहाँ जो लोग बैठे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और इस तरह से आप यहाँ पे जो है ना बैठ के अपने खाने का मज़ा ले सकते हो। और यार अगर बारिश हो जाए तो क्या ही बात है। और ये देखिए ऊपर में भी इतना सुंदर लाइट्स वगैरह है ना, ये बहुत ही सुंदर है यार, अमेजिंग। मुझे तो बहुत पसंद है ये जगह। ये देखिए यहीं पे आपको ना एक विलेज थीम टाइप का भी मिल जाएगा जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है ना। एक होता है ना गांव में हम जाते हैं तो इस तरह का एक लुक रहता है, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जो है ना आपको एक ही रेस्टोरेंट में काफ़ी तरह के थीम देखने को मिल जाएंगे। एक तो सबसे पहले ये बस वाला है, फिर इस तरह का विलेज थीम है, फिर यहाँ पे जो है ना ओपन में बीन बैग रख के और बहुत ही अच्छा सा पेड़ के नीचे जो है आप मज़े कर सकते हैं। मतलब बहुत अच्छा है, एक रेस्टोरेंट में आपको कहाँ ही इतना सारा थीम मिलता है यार, तो अमेजिंग है ये तो। सो गाइस, चलिए हम यहाँ की जो ऑनर है उनसे बात करते और जानते हैं कि उनको जो यूनिक आइडिया है ये कैसे आया। तो मैम, सबसे पहले तो आप हमें अपना नाम बताइएगा। हेलो, रक्षा झा नाम है मेरा। तो ये जो यूनिक आइडिया है वो कैसे आया आपको? एक्चुअली अगर मैं इस बस के बारे में बात करूँ, इट्स लिटिल फनी, बट आप देखते होंगे पुलिस स्टेशन के सामने सारे जो भी सेकंड हैंड या फिर पकड़े हुए गाड़ी रहते हैं वो बर्बाद गाड़ी वहीं से। तो हम लोग एक्चुअली जगह ही ढूंढ रहे थे कैफ़े के लिए, बट मिल नहीं रहा था कहीं पर ज़्यादा प्राइस, तो कहीं पर कुछ जो है एक्चुअली। फिर हम लोग देखे वहाँ पर, तो नहीं कैसे आइडिया आया कि हम लोग कर सकते हैं इसके साथ कुछ, क्रिएटिविटी हो सकता है। वहाँ पे एक ऐसे ही ख़राब बस लगा हुआ था, मतलब ऐसे ही बर्बाद, तो हम लोग सोचे इस पर अच्छा, क्रिएटिविटी तो बहुत अच्छा है ये। हाँ, बस वहीं से फिर गूगल वूगल करा, सर्च करा, तो पता चला हाँ है कहीं कहीं बाहर फॉरेन वगैरह में। एक तो है शायद दिल्ली में, फिर वहाँ से छोटा सा आइडिया ले गया, तो बस छोटा सा ट्राई करा। तो यहाँ पे हर जगह कोई एक सिंगल थीम है या कोई दो थीम लेके चल रहे हैं लोग, तो मैं वही सोच रही थी कि अगर एक ही जगह लोगों को अलग अलग थीम दिया जाए, है ना, लाइक इधर आप बीन बैग के थीम में, इधर आपका हार्ट थीम हो गया, उधर थोड़ा बेंच डेस्क लगा दिए, ये बस हो गया। तो एक जगह मैं सोच रही हूँ कि अलग अलग एनवायरनमेंट दिया जाए, एक ही जगह सारी चीज़ों, क्योंकि आजकल के यंगस्टर ये करते हैं। तो अगर यहाँ पे किसी को अगर बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करना हो, हाँ बिल्कुल, आपको बस थोड़े टाइम पहले बताना होगा कि आपको किस तरह का डेकोरेशन चाहिए, क्या चाहिए, कितने लोग हैं आप लोग, आपको बस एटलीस्ट दो तीन घंटे पहले बताना होगा, इन्फॉर्म करना होगा। अभी तो आए हुए एनिवर्सरी वगैरह का आया हुआ ऑर्डर, तो उनको एक दिन पहले कम से कम आप बताएंगे तो आपके अकॉर्डिंग सारा अरेंजमेंट हम लोग कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे मुझे भी लिटरली बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे ना एक ही साथ तीन चार थीम मुझे दिख रहा है, तो वो बहुत अच्छा। आई होप कि आपका जो ये रेस्टोरेंट है बहुत आगे जाए। थैंक यू सो मच। सो गाइज, ये है यहाँ का मेन्यू, तो मैं आपको मेन्यू में दिखाती हूँ कि क्या कुछ है और प्राइसिंग वगैरह जो है वो कैसे है। ये देखिए यहाँ पे जो है ना पिज़्ज़ा वगैरह जिसकी स्टार्टिंग प्राइस 120 है। और ये यहाँ पे जो है ना मुझे बहुत ही अच्छा सा एक चीज़ दिखा है यहाँ पे ना, मतलब मेन्यू पे पहली बार मैंने देखा है कि इस तरह से छोटे छोटे कोटेशन टाइप के हैं। इसके दी गली विच सैंडविच ऐसे यहाँ पे, ये देखिए ऐसे ना मुझे तुम देखो मैं फेट बढ़ा दूँ, मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है यार, ये अमेजिंग। और सैंडविच का जो प्राइस है वो स्टार्टिंग प्राइस है 85, मतलब बहुत अच्छा है। हर जगह पे ना आपको छोटे छोटे इस तरह का दिख जाएगा, इट हैपेंस ओनली इन, बहुत अमेजिंग है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा इन लोगों का मेन्यू जो है।
ये देखिए, वाह, मेरा फेवरेट चीज़ मुझे दिख गया है, चाय, जहाँ पे लिखा एक गर्म चाय की प्याली हो। और चाय का जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 20 रुपीज़ है, जो कि मार्केट में भी 20 रुपीज़ है। और वाह, कॉफ़ी, मेरे लिए तुम कॉफ़ी हो, ओहो, काश मुझे भी ऐसा कोई बोलता है, बहुत अच्छा है। और कॉफ़ी की जो प्राइस है वो 25 रुपीज़ है। और बेबी को बर्गर को, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे यार, इन लोगों का मेन्यू बहुत अमेजिंग है, हर कुछ आपको मिल जाएगा। ये देखिए मॉकटेल है, मॉकटेल का जो प्राइस है वो 99 है, और बहुत अच्छा मुझे इन लोगों का मेन्यू लगा यार, अमेजिंग। ये देखिए आपको यहाँ पे नॉन वेज कॉम्बो, फिर उसके बाद वेज तंदूरी, सारा कुछ अवेलेबल है 199 में, 299 हर कुछ है यहाँ पे, तो अमेजिंग, बेस्ट, मेरा अब तक का सबसे बेस्ट मेन्यू इन लोग का था। सो गाइज, अभी जो है ना, मैंने यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ विथ मॉकटेल मंगाया है, तो मेरा ऑर्डर जो है यहाँ पे आ चुका है। और ये देखिए देखने में कितना टेस्टी लग रहा है ना यहाँ पे, इसके साथ जो है आपको शेजवान चटनी और मेयोनीज और धनिया की चटनी भी दी गई है। तो चलिए अब हम इसे टेस्ट कर लेते हैं और फिर आपको बताते हैं कि ये कैसा है। अमेजिंग यार, मुझे तो बहुत टेस्टी लगा ये। और यहाँ पे अब हम जो है, अब जो हम लोग यहाँ पे मॉकटेल भी टेस्ट कर लेते हैं कि कैसा है। ये भी बहुत अच्छा है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा ये सारा कुछ। सो गाइज, ये देखिए, ये जो है ऊपर से लोग, कितना अच्छा लग रहा है यार, इस टाइप का, मतलब बहुत अच्छा है, ये यूनिक भी है बिहार में, मतलब पटना में तो ऐसा कुछ भी मैंने नहीं देखा था इस तरह का, तो मुझे बहुत पसंद आया ये रेस्टोरेंट यार। तो गाइज, अगर हम यहाँ की एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो वो है इस तरह, अगर आप बोरिंग रोड से आ रहे हो ना, तो आपको PNM मॉल से आगे आना होगा, और वहाँ पे एकदम सामने ही आपको लोयला स्कूल दिख जाएगा। और ये देखिए, इस गली के बगल में जो है ना, आपको जय राम क्लासेस भी यहाँ पे मिल जाएगा, तो उसी के बगल, जस्ट बगल में आपको जो है ये गली लेना, और सीधा जाइएगा तो आपको जिया ग्रैंड करके दिखेगा, और उसी के लेफ्ट साइड चले जाएगा तो आपको जो है रेस्टोरेंट मिल जाएगा। कि ये है यहाँ का नाइट व्यू, और मतलब ये रेस्टोरेंट अगर आप आते हैं ना, तो मैं तो यही कहूँगी कि नाइट में आइए, नाइट में ना यहाँ का अलग ही मज़ा है, रियल लुक जो है ना इसका आपको नाइट में ही देखने को मिलेगा। और ये देखिए, ये जो ऊपर का टॉप रूफ जो है ना, उस पर भी बहुत सुंदर लगता है, मतलब अमेजिंग है ये रेस्टोरेंट यार, वाओ। सो गाइज, अगर आपको अपना बर्थडे या फिर एनिवर्सरी यहाँ पे सेलिब्रेट करना है ना, तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं, और उसके लिए जो है ना, आपको एक दिन पहले ही यहाँ पे इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ताकि ये लोग जो है सारा अरेंजमेंट यहाँ पे कर सके। और वो जो प्राइसिंग वगैरह ना उस चीज़ का, आपको यहाँ पे खुद ही पता करना पड़ेगा, आप कॉल करके भी पता कर सकते हैं। मुझे तो पर्सनली रेस्टोरेंट बहुत अच्छा लगा, और आपको ये रेस्टोरेंट कैसा लगा वो कमेंट बताना बिल्कुल भी ना भूले। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।